हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसटीएस विद्यापीठ। इन ऑनलाइन क्लासेस टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट मैथ एंड योर टॉपिक एडिशन ऑफ बिग नंबर्स। आज मैं आप लोगों को बड़े नंबरों में जोड़ सिखा रही हूँ, टू डिजिट का। तो चलिए बेटा, आप लोग ध्यान से देखिए, टू डिजिट का जोड़ आपको कैसे करना है। टेंस वन देखिए बेटा, आपको वंस वंस मतलब होता है बेटा आपका इकाई, और टेंस मतलब होता है, हमने टी से प्रदर्शित किया। टेंस टेंस क्या है आपका? दहाई है ये। तो आपको एडिशन टू डिजिट का अगर कर रहे हैं तो आपको किधर से आपको एडिशन सबसे पहले करना है, किस नंबर की तरफ से। तो आप देखिए यहाँ पे जो है वंस, यहाँ पे इकाई वाले नंबर की तरफ से हमें पहले करना रहता है, उधर से हमें करना चाहिए। सब्ट्रैक्शन करना है तो तभी भी हमें उधर से ही करना चाहिए। तो एडिशन देखिए आपका टू डिजिट का है यहाँ पे, तो आपको वंस वाले नंबर की तरफ से आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐड करना है इकाई वाले नंबरों के तरफ से। तो देखिए आपका इकाई वाला नंबर क्या है, थ्री है, और नीचे भी क्या है, थ्री है, ऊपर और नीचे थ्री है। तो अगर आपको उस तरह से करने आ रहा है तो फिंगर पे ही काउंट करके कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रफ काम के लिए आप लाइन खींचेंगे। तो क्या है आपका ऊपर, थ्री है, वन टू थ्री, और नीचे कितना है, थ्री है। तो नीचे भी हम क्या करेंगे, थ्री लाइन खींचेंगे, वन टू थ्री। अब ऊपर और नीचे वाले लाइन को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्या है, सिक्स। कौन सा नंबर प्राप्त हुआ हमें, सिक्स हुआ। तो हम वंस वाले नंबर के नीचे, जस्ट इकाई वाले नंबरों के नीचे हम लिखेंगे सिक्स। अब देखिए टेंस वाला नंबर कौन कौन से हैं आपके, ऊपर भी फोर है और नीचे भी फोर है। तो उस नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कैसे, दहाई वाले नंबर को। तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, फोर लाइन खींचेंगे, और नीचे भी हम क्या करेंगे, फोर लाइन खींचेंगे। तो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ऊपर और नीचे हमने फोर फोर लाइन खींच ली। अब ऊपर और नीचे वाले लाइन को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एट, एट ना, फोर और फोर को हमने काउंट किया तो कितना हुआ, एट हुआ। तो हम टेंस वाले नंबर के नीचे लिखेंगे एट, अर्थात दहाई वाले नंबर के नीचे हम लिखेंगे एट। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट नंबर के साथ देखिए बेटा आप लोग कैसे ऐड करेंगे। देखिए बेटा आपको किधर से ऐड करना है, वंस वाले नंबर इकाई वाले नंबरों के तरफ से हमें ऐड करना रहता है। तो चलिए देखिए, ऊपर कितना है, टू है, और नीचे कितना है, थ्री है। तो हम ऊपर कितनी लाइन खींचेंगे, वन टू, और नीचे कितना खींचेंगे, थ्री लाइन, क्योंकि थ्री नंबर है ना, वन टू थ्री। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे, ऊपर और नीचे वाले लाइन को हम काउंट कर लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। तो क्या मिला, फाइव। तो हम क्या लिखेंगे, वंस वाले नंबर के नीचे इकाई वाले नंबर के नीचे हम लिखेंगे फाइव, बॉक्स में हम लिखेंगे फाइव। और देखिए यहाँ पे दहाई वाले नंबर क्या है, टेंस वाले नंबर फोर और टू है, ऊपर कितना है, फोर, और नीचे कितना है, टू है। तो इसे हम क्या करेंगे, काउंट करके लिखेंगे, लाइन खींचेंगे सबसे पहले, वन टू थ्री फोर। अब इन नंबर को हम क्या करेंगे, काउंट करने के लिए लाइन खींच लिए, अब इसे हम काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। हमें क्या प्राप्त हुआ, सिक्स, अर्थात टेंस वाले नंबर के नीचे हम लिखेंगे सिक्स, दहाई वाले नंबर के नीचे जस्ट उसके नीचे बॉक्स में लिखेंगे हम सिक्स। तो हमने यहाँ पे सिक्स लिख दिया। अब नेक्स्ट नंबर के साथ देखिए बेटा आप लोग,
देखिए बेटा, वंस वाले नंबर कौन कौन से है? इकाई वाले नंबर 7 और 1 है। ऊपर कितना है? 7 है, और नीचे कितना है? 1 है। तो हम सबसे पहले 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे कितना है? 1। तो हम क्या करेंगे, 1 लाइन खींचेंगे। अब इसे हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें कौन सा नंबर प्राप्त हुआ? 8। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बॉक्स में? 8। वंस वाले नंबर के लिए हम लिखेंगे 8, अर्थात इकाई वाले नंबर के लिए बॉक्स में हम लिखेंगे 8। अब देखिए यहाँ पे टेंस वाले नंबर क्या है? 4 और 3 है। अब दहाई वाले नंबर क्या है आपके? 4 और 3। तो इन नंबरों को हम काउंट करेंगे और क्या करेंगे? बॉक्स में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें, अगर उस तरह से नहीं करने आता है तो हमें आसानी पूर्वक से क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे। तो कितनी लाइन खींचेंगे पहले? ऊपर हम 4 लाइन खींचेंगे, और नीचे कितना खींचेंगे? 3। देखिए यहाँ पे हमने लाइन खींच लिया। अब इन लाइन को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम बॉक्स में लिखेंगे, टेंस वाले नंबर की तरफ हम बॉक्स में लिखेंगे 7, अर्थात दहाई वाले नंबर के नीचे हम लिखेंगे बॉक्स में 7। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट नंबर के साथ देखिए बेटा आप लोग। यहाँ पे देखिए वंस वाले नंबर क्या है आपके? 00 है। इकाई वाले नंबर क्या है? 00 है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, तो 00 है, तो क्या है, इन्हें हम काउंट करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे बॉक्स में। हम वंस वाले नंबर के नीचे हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए टेंस वाले नंबर क्या है आपके? 4 और 1 है। 4 1 है, तो दहाई वाले नंबर क्या है? 4 और 1 है। इन्हें हम क्या करेंगे, काउंट करके बॉक्स में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 लाइन लेंगे, 1 2 3 4 लाइन हमने खींच लिया, और नीचे कितने हैं? 1 है, 1 2 3 4 5। तो हम टेंस वाले नंबर के नीचे लिखेंगे बॉक्स में 5। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर के साथ। अब इन नंबर को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो वंस वाले नंबर क्या है आपके? 5 और 0 है। पहले क्या है? 5 है और 0। इकाई वाले नंबर 5 और 0 है, तो इन्हें हम काउंट करेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ 5 है तो, और यहाँ पे 0 है, तो 5 में 0 को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमें 5 ही प्राप्त होगा। तो हम क्या लिखेंगे बॉक्स में? 5। वंस वाले नंबर के नीचे लिखेंगे हम 5। और यहाँ पे देखिए टेंस, टेंस दहाई, दहाई वाले नंबर के नीचे देखिए कौन कौन से नंबर है? 4, और यहाँ पे नीचे भी है क्या? 4। ऊपर और नीचे 4 4 है, तो हम काउंट करेंगे, यहाँ पे 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। नीचे कितना है? 4, 1 2 3 4। अब ऊपर भी 4 है और नीचे भी 4 है, इन दोनों लाइन को हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम बॉक्स में क्या लिखेंगे, टेंस वाले नंबर के नीचे जस्ट लिखेंगे हम 8। यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। अब नेक्स्ट नंबर के साथ देखिए बेटा आप लोग, से ऐड करने के लिए। अब इसमें देखिए बेटा आप लोग, यहाँ पे वंस वाले नंबर क्या है आपके? 6 और 1 है। इकाई वाले नंबर क्या है आपके? 6 और 1। अब इन नंबर को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर कितना है उसको
उतनी लाइन खींचेंगे और नीचे कितना है उतनी लाइन खींचेंगे। तो ऊपर कितना है 6 है, तो कितनी लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 और नीचे कितना है 1। अब इन लाइन को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हम बॉक्स में लिखेंगे वंस वाले नंबर के नीचे 7। अब यहाँ पे कितना है 4 ऊपर है और नीचे कितना है 3 है। तो हम ऊपर कितनी लाइन खींचेंगे 4 खींचेंगे और नीचे कितनी खींचेंगे 3, 1 2 3। अब इन लाइन को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स में 7, टेंस वाले नंबर के नीचे जस्ट लिखेंगे हम 7। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को एडिशन ऑफ बिग नंबर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। ना समझ वीडियो को आप पूरा देखें। थैंक यू।